नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। दिगंबर जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज के जीवन पर आधारित अंतर यात्री महापुरुष का प्रीमियम शो आगरा दिगंबर जैन परिषद के तत्वाधान श्री टॉकीज में पीएनसी ग्रुप के सौजन्य से आयोजित किया गया। शुभारंभ आचार्य विद्यासागर महाराज के गृहस्थ जीवन के बड़े भाई महावीर जैन ने किया। इस दौरान महाभारत और शिव महिमा फिल्म अभिनेता गजेंद्र चौहान ने मूवी की जानकारी दी। उनका कहना था कि महाभारत विश्व का सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला धार्मिक सीरियल है। महापौर नवीन जैन, विधायक जीएस धर्मेश, प्रदीप जैन, जितेंद्र जैन, आशीष जैन ने श्री विद्यासागर महाराज पर बनी मूवी को दर्शकों से देखने के लिए अपील की है। संदिग्ध परिस्थितियों में किस दिन पहले गायब युवक का बाजार शुक्ल क्षेत्र के दुदाधारी जंगल में कंकाल मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। पीड़ित परिवार से हत्या की आशंका जता रही है। परिजनों ने किस दिन पहले नामजद आरोपियों के नाम तहरीर दी थी। पुलिस ने गुमशुदगी लेकर मामले को शांत करा दिया था। साथ ही पुलिस पर मुलजिम को पकड़कर छोड़ देने का आरोप भी परिवार की तरफ से लगाया जा रहा है। बस्तर जिले में सोशल मीडिया पर इन दिनों कई थाना क्षेत्रों में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। जिले में आए दिन दबंगों की दबंगई सामने आती रहती है। मामला गौर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव का है, जहां गांव के दबंग रामाशीष और उसके कुछ अन्य साथियों ने पुश्तैनी जमीन पर रखा छप्पर जबरन दबंगई के बल पर हटा दिया। फिर दबंग अपने साथियों और घर की महिलाओं द्वारा छप्पर को लेकर हस्तक्षेप करने वाले पीड़ितों की जमकर पिटाई कर दी गई। पिटाई के दौरान 60 वर्ष के बुजुर्ग पर भी रहम नहीं आया, बल्कि बुजुर्ग का भी सर फोड़ दिया गया। दबंगों की दबंगई यहीं नहीं रुकी, लगातार मार पिटाई करते रहे, जिसका वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आज दिनांक 27 है, कल दिनांक 26 तारीख को कुछ थाना क्षेत्रों में आपस में दो पक्षों के बीच में लड़ाई हुई, जिसके संबंध में मुकदमे पंजीकृत हैं और जिसमें आगे की बयानी कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें पर्यटक और स्थानीय लोग आपस में जमकर राफ्टिंग का चप्पू और लाठी डंडों से मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खास बात यह कि पुलिस की मौजूदगी में ही मारपिटाई हो रही है, जिसकी वजह से कई तरीके के सवाल खड़े हो गए हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। लक्ष्मण धुरा थाना प्रभारी निरीक्षक ने जब इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि किसी भी पक्ष की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलती है तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। तो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। पुलिस के सामने आपस में भिड़ते हुए लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसकी वजह से पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लक्ष्मण झूला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी निरीक्षक से जब इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसी भी पक्ष की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है, तहरीर मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस प्रदेश भर में अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर विरोध जताया। उधम सिंह नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह किया। कांग्रेस नेता मीना शर्मा का कहना है कि सेना भर्ती के लिए तैयार कर रहे बेरोजगार युवकों को योजना से बहुत नुकसान होगा। केंद्र सरकार से मांग की है कि अग्निपथ भर्ती योजना को तुरंत ही वापस लिया जाए। मीना शर्मा ने केंद्र सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया और कहा कि कठिन परिश्रम करने के बाद युवा देश की सुरक्षा करने के लिए सेना में भर्ती होते हैं, लेकिन केंद्र सरकार युवाओं के परिश्रम पर पानी फेरने का काम कर रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बनाए के ग्रामीणों ने कंधों पर लादकर मंदिर तक माता रानी की विशाल मूर्ति पहुंचाई है। आप बता दें कि उत्तराखंड में कण कण में देवी देवताओं का वास है और यहाँ के लोगों का अपने आराध्य देवी देवताओं से अगाध प्रेम और नाता, इसी कारण यहाँ धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञान पूजा अर्चना आदि के आयोजन होते रहते हैं। इसी क्रम में राजस्थान के जयपुर से विनायक गांव पहुंची माँ सिंह भवानी की भव्य मूर्ति को ग्रामीणों ढोल नगाड़ों के साथ हर्षोल्लास जय माता दी के जयकारे गगनभेदी नारों के साथ मंदिर प्रांगण तक पहुंचाई। विनायक गांव में स्थित पौराणिक सिंह भवानी के मंदिर को पिछले 2 सालों से लगभग 40 लाख रुपए की लागत से नया और विशाल स्वरूप दिया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।
देवभूमि उत्तराखंड में दिल दहला देने वाली घटना ने पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। चलती कार में 6 साल की मासूम और उसकी मां के साथ गैंगरेप की घटना से देवनगरी को शमशान हो गया है। रुड़की में शुक्रवार की रात 6 साल की मासूम और उसकी मां के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में नामजद आरोपी सोनू पर पुलिस ने नाम घोषित किया है। साथ ही आमजन से भी पुलिस ने अपील की है कि यदि कोई भी दुष्कर्म से जुड़ी सूचना पुलिस को देता है तो उसको उचित इनाम दिया जाएगा। वहीं सूचना देने वाले का नाम, पहचान और पता पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा। सर्विलांस टीम की मदद से नूरपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से पुलिस ने चोरी और लूट का माल भी बरामद किया है। पुलिस ने इन 4 अभियुक्तों के पास से नकदी और अवैध तमंचा भी बरामद किया है। कमिश्नर लखनऊ डी के ठाकुर और लखनऊ समेत कई अधिकारियों की यहाँ पर रूटीन चेकिंग की गई है। लखनऊ कारागार में रूटीन चेकिंग नहीं मिली कोई अवैध सामग्री और मोबाइल फोन, संहिता से यहाँ पर चेकिंग की गई है। तमाम यहाँ पर जो भी अधिकारी थे उन्होंने चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान के तहत यहाँ पर कारागार में भी चेकिंग की गई है। रूटीन चेकिंग इसे नाम दिया गया। इस दौरान ना तो कोई अवैध सामग्री मिली है, ना ही कोई मोबाइल फोन मिला है। यहाँ पर सख्ती के साथ चेकिंग की गई है। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने कैंप कार्यालय में आयोजित जनता दर्शन के दौरान प्रदेश के कोने कोने से अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आए जन सामान्य से स्व आंदोलन प्राप्त कर उनकी समस्याओं को पूछा तथा आश्वस्त किया है। अपनी समस्या का निस्तारण को हर संभव प्रयास करके निकारण किया जाएगा, जिससे आप लोगों को बार बार ना दौड़ना पड़े। ऐसा कहते हुए डिप्टी सीएम नजर आया। उनका कहना था कि आप लोग अपने क्षेत्रांकत होने वाले समाधान दिवस में उपस्थित होकर अपना आवेदन देते हुए समस्या से अवगत करा सकते हैं, जिससे आपको दूर दूर तक नहीं जाना पड़ेगा। और अब हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा की सबसे बड़ी हॉट सीट सरधना की, जिसमें एक बड़ा ही दिलचस्प नजारा देखने को मिला। सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान और भाजपा से ब्लॉक प्रमुख सिरमन ठाकुर ने जनहित योजना के लिए एक साथ मंच साझा किया। आपको बता दें कि हाल ही में विधानसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी अतुल प्रधान ने संगीत सोम को हरा कर इस बार सरधना सीट पर कब्जा किया था। तो वहीं दूसरी ओर ब्लॉक प्रमुख की बात करें तो सरधना से पूर्व विधायक और भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम की पत्नी सिरमन ठाकुर ने ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीत कर हासिल की था। पिछले कई दिनों से विकासखंड पाबो के अंतर्गत आने वाले सपलौडी, भट्टी गांव, ग्वारीघाट आदि क्षेत्रों में दहशत का केंद्र बना गुलदार आज सुबह 5 बजे पिंजरे में कैद हो गया, जिसके बाद गुलदार को नागदेव रेंज लाया गया, जहां मेडिकल के बाद गुलदार को घने जंगलों में छोड़ दिया गया। मैनेजर अनिल भट्ट ने बताया कि पिछले दिनों सपलौडी और भट्टी गांव में गुलदार ने 2 अलग-अलग घटनाओं में 2 महिलाओं को अपना निवाला बनाया, जिसके बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ था। आखिरकार सूचना मिली है। सूचना मिलते ही वहां पर वन विभाग के लोग पहुंचे हैं और गुलदार को पकड़ा है। नारायणबगड़ प्रखंड के गांव पंचायत लाड़ी में प्रधान पद के लिए संचालित उपचुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने के साथ ही 3 प्रत्याशियों के हार जीत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। सोमवार को राजकीय क्षेत्रीय माध्यमिक विद्यालय लाड़ी के मतदान केंद्र में ग्राम प्रधान के पद के लिए उपचुनाव में कुल 261 मतदाताओं में से कुल 174 अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। मुजफ्फरनगर के चौथावल पुलिस ने सोमवार को एक ऐसे डकैती का खुलासा किया जो पुलिस के लिए सर का दर्द बनी हुई थी, जिसमें पुलिस ने 2 डकैतों को लाखों रुपए की लूट की गई ज्वेलरी के साथ गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी इसी डकैती का मास्टरमाइंड से 3 अन्य डकैत इस मामले में वांछित चल रहे हैं, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर हरदोई में भी अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सत्याग्रह धरना दिया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सत्याग्रह के दौरान कहा गया कि यह योजना युवाओं को छलने के लिए है और सरकार को इस योजना को वापस लेना चाहिए, क्योंकि इससे युवा काफी ज्यादा आक्रोशित हो रहे हैं। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हम सभी कांग्रेसजन अग्निपथ योजना जो सरकार लाई है, बिना युवाओं से परामर्श किए, बिना विपक्ष से परामर्श किए उस योजना को वापस लेने की मांग को लेकर यहाँ सत्याग्रह कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि 3 साल से, पहली बात तो कोई भर्ती नहीं आई, हमारे ग्रामीण इलाके में जो युवा हैं दिन रात अभ्यास करते करते, भर्ती की तैयारी करते करते उनके पैरों में छाले पड़ गए, उनका दर्द समझने के बजाय सरकार अब ऐसी योजना लेकर आई है जो उनको बेरोजगार करने की योजना है।
और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।